नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूँ शुभम सिंह। चारों दिशाओं से भक्ति की रसधार बह रही है क्योंकि भक्तों का इंतजार अब खत्म हुआ है। अब दर्शन की शुभ बेला है। आज सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों के संपूर्ण दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खुल चुके हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम की पहली झलक आप देख पा रहे हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यमुनोत्री और गंगोत्री की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। आज विधि विधान से बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। इसी के साथ ही हिमालय की खूबसूरत वादियों में भक्ति और आस्था का अद्भुत महोत्सव चरम पर आ चुका है। ये चार धाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम। आज बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल चुके हैं। यमुनोत्री गंगोत्री की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगकर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक आर्मी बैंड की धुन भी आप सुन पा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से, जहां बद्रीनाथ बाबा के कपाट आज खोल दिए गए हैं और दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर महिमा बद्रीनाथ धाम की क्या है और कैसा ग्रंथों में उल्लेख है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ज्योतिष आचार्य संजय शर्मा जी हमारे चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आचार्य जेपी सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले संजय शर्मा जी, आप ही के पास आ जाता हूं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं, कई घंटों इंतजार किया, कतार में लगे हैं श्रद्धालु। क्या महिमा है शास्त्रों में, ग्रंथों में बाबा बद्री विशाल की? स्कंद पुराण में भी लिखा है और बद्री विशाल की जो महिमा है वो इतनी अपरंपार है कि भगवान जो विष्णु है उनको जब अवतरण लेना पड़ा, पृथ्वी के ऊपर आना पड़ा, कहते हैं कि राक्षसों के संहार के लिए भगवान ने नाना प्रकार के जो है रूप धारण किए हैं। और कहते हैं कि जब वहां पर पहुंचे बद्री विशाल में, वो स्थान जो है भगवान शिव का स्थान है और शिव पार्वती का स्थान है, और भगवान विष्णु को वहां पर आना था तो बाल रूप में आकर के और रोने लगे और विलाप करने लगे। भगवान पार्वती और शिव ने जब देखा कि ये छोटा बच्चा कौन है तो भगवान और पार्वती ने उनको उठा लिया जी। और उसके पश्चात जो कथा है आप सबको मालूम ही है कि भगवान का वो स्थान, कहते हैं कि जो भी बद्रीनाथ धाम में कहते हैं एक दिन की तपस्या कर लेता है उसको 10,000 वर्ष तक का जो है सुख प्राप्त होता है। 10,000 साल की तपस्या और एक दिन की तपस्या वहां पे करने पर एक वही फल मिलता है। क्योंकि बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए आपने देखा होगा कि एक राक्षस था और उस राक्षस ने भगवान से वरदान मांगा हुआ था कि मुझे जो है जब तक कोई 10,000 वर्ष तक जो है तपस्या नहीं करेगा तब तक मुझे मार नहीं सकता। सूर्य नारायण भगवान से मांगा था ये वरदान। तो सब लोग, सब देवता भगवान विष्णु के पास गए कि श्री हरि हम क्या करें। तो भगवान विष्णु ने जो है उनको आशीर्वाद दिया कि और ऐसे स्थान की खोज की कि जहां पर एक दिन का तप करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, 10,000 साल का फल जो है प्राप्त हो जाता है। तो एक ऐसा स्थान है बद्रीनाथ स्थान, कहते हैं कि जहां पर आपका मन जो है जाकर के चित्त शांत हो जाता है। और शास्त्रों में लिखा गया है जो बद्री स्थान जाकर के तप कर लेता है, भक्ति कर लेता है, दर्शन कर लेता है, उसको जो है मोक्ष और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग यहां पर प्राप्त हो जाता है बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने से। रुक करते हैं सहयोगी गुंजन दीक्षित का, बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। गुंजन, अभिषेक का वक्त भी हो चला है, कैसी तरह की तैयारियां और क्या कुछ अनुष्ठान आज कपाट खुलने के बाद? गुंजन बिल्कुल, मैं शुभम उसके बारे में आपको बता दूं, जो अभिषेक का समय है वो करीब 11 बजे के लगभग है, मतलब 10 बजे से लेकर 11 बजे का के बीच का वो समय होगा जब भगवान का अभिषेक किया जाएगा। क्योंकि बद्री विशाल की अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें कि जैसे अरविंद शुक्ला इससे पहले जब हमारे साथ जुड़े थे तो वो हमें बता रहे थे कि घी का लेपन होता है प्रभु के ऊपर, माता लक्ष्मी की यहाँ पर पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है। पौराणिक कथा हमारे ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ की तस्वीर इस वक्त बेहद खास है। उन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शक भी देखें और आप भी देखें। देखिए, ये है बद्री विशाल का वो धाम जिसकी आस्था और श्रद्धा पूरे देश भर में अब नजर आ रही है, क्योंकि 6 महीने
के बाद लोग इंतजार करते हैं कब केदार धाम और बद्री धाम के कपाट खुलेंगे, और उसी दौरान ये जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। लगातार यहाँ पर अलग अलग बैंड बज रहे हैं, जैसे सुबह आर्मी का एक बैंड बजा, उसके अलावा फिर हमने देखा जो केदार धाम में एक पूरा ग्रुप आया था इंदौर से, उनकी थाप हमने यहाँ पर सुनी, और उसके बाद एक और बैंड यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर शंखनाद कर रहा है, ढोल नगाड़े बजा रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की कतार को आप देख सकते हैं, पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त भरा हुआ है, बल्कि कतार जैसा अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं। अगर मैं बात करूं जो मंदिर से आने वाला रास्ता है वो भी करीब 3-4 किलोमीटर तक पूरी तरीके से जाम हो चुका है, वहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है, यानी कि श्रद्धा का जो जन सैलाब है यहां पर उमड़ चुका है और इंतजार कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आएगी और वो बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। और अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा हो और बद्री विशाल के दर्शन करके। तो वैसे भी कहा जाता है कि जिसने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती है, वो माता के उदर में नहीं आता, उदर यानी कि पेट में नहीं आता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये मान्यता यहाँ को लेकर कही जाती है और इसीलिए लोगों की जो आस्था है वो इस वक्त सबसे ऊपर है। यहाँ पर कई तरीके के नृत्य भी हुए, उसकी परंपरा ये है कि बद्रीनाथ धाम में जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं वो एक नृत्य करती है और उनकी ये परंपरा है कि तभी बद्री विशाल उनसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं शुभम, अभी जरूर यहाँ पर धूप खिली हुई है लेकिन जिस वक्त कपाट खुले थे झमाझम बारिश हो रही थी, कि कल रात से ही बारिश यहां पर हो रही थी, जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की जो डुबकी है वो लगा रहे हैं। हर कोई सराबोर है इस वक्त भक्ति में, आस्था में, और हर तरफ एक ही गूंज है, वो है बद्री विशाल की। जब केदारनाथ से हम यहां पर आए तो यहां पर भगवान विष्णु के दर्शन करने का मौका अभी सौभाग्य संभवतः हमको भी मिले आपसे कुछ देर बाद, लेकिन यहां की जो छटा है वो अलौकिक है, अद्भुत है, और यहां पर आकर ऐसा लगता है मानो सारे तीर्थ आपके पूरे हो गए हो, मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। शून्यता जिसे हम कहते हैं बार बार साधना में, वो शून्यता यहाँ पर आकर महसूस होती है और वो मैं भी यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। शुभम, गुंजन, एक सवाल इस बात को लेकर भी कि बड़ा लंबा इंतजार श्रद्धालुओं ने किया है, भीड़ हम देख पा रहे हैं, इंतजार अभी और कितना करना पड़ रहा है? अगर आप कतार में हैं तो अभी कितने घंटे और आपको इस कतार में खड़े होना पड़ेगा तब जाकर आपको बाबा के दर्शन होंगे? आप ये समझिए शुभम, अगर मैं अभी जाकर कतार में लगती हूँ तो करीब करीब आप मान के चलिए 6 से 7 घंटे के बाद मेरा नंबर आएगा कतार में लगने के बाद, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए जब रात को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी लोग कल दोपहर 1 बजे से कतार में लगे हुए हैं, यानी कि लंबा इंतजार लोगों ने किया है। उसके बाद जाकर उनको सुबह करीब 6:15 पर दर्शन हुए क्योंकि 6 बजे का पाठ खुले, उसके बाद जो महंत है यहाँ के रावल है वो अंदर गए, पूजा पाठ हुआ और उसके बाद आम लोगों के लिए दर्शन खोल दिए गए। अभिषेक का जो समय होता है, प्रसाद का जो समय होता है वो तुरंत नहीं होता, यहाँ पर कुछ वक्त के बाद होता है, जो कि अब 11 बजे के बाद परंपरा को निभाया जाएगा। यानी कि अगर बद्री विशाल जो भी हमारे दर्शक आ रहे हैं उनको पहले से ही लाइन में लगना होगा, तब जाके वो बद्री विशाल के समय रहते दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आस्था का ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि हर तरफ श्रद्धा ही श्रद्धा नजर आ रही है, आस्था नजर आ रही है, लोगों की बड़ी संख्या है, हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है और आप देख सकते हैं ये आस्था हर तरफ। मैं बात करने की भी कोशिश करूंगी, कहाँ से? काशीपुर। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? अल्मोड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं, दर्शन हुए आप लोगों के? अच्छा, हम सुबह से खड़े हुए, सुबह 6 बजे जब कपाट खुल रहे थे तब से हम खड़े हैं और तब से बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आप लोग कहाँ से? भुवनेश्वर चमोली से। बढ़िया लगा, अच्छा लगा दर्शन कर। गोपेश्वर से, और बहुत ही अच्छा दर्शन है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दर्शन हो गया? जी दर्शन हो गए, सुबह दर्शन हो गए। आगे की क्या, गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे या फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे? नहीं, अभी पहले सभी जगह दर्शन करेंगे, चरण पादुका, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, और उसके बाद हमने एक छोटा सा भंडारा कार्यक्रम भी हो रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से, अभी उस भंडारे को कैरी ऑन करेंगे। तो
देखिए शुभम, उस तरफ चल रहा है गीत संगीत, बाबा की भक्ति में लीन ये तमाम श्रद्धालु जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। दर्शन कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस पूरे नजारे को अपनी आंखों में, अपने मन में, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां और उसके बीच बद्री विशाल का ये धाम जो कि हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है और ललायत कर रहा है कि कब बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। शुभम, बिल्कुल इंतजार इसी बात का है हर श्रद्धालु को कि कब उन्हें बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो पाएंगे और कब वो उनसे अपनी मनोकामना जो है, वो अपनी अर्जी जो है, वो बाबा के सामने लगा पाएंगे। आचार्य जेपी सिंह जी, महिमा बड़ी विख्यात है बाबा बद्री की, ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में किस बात का जिक्र किया गया है, कैसे बाबा बद्री को प्रसन्न कर सकते हैं आज? जी सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन की महत्ता सर्वाधिक हो जाती है, क्योंकि आज एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों का समावेश हो जाता है। अगर आप देखें, आज यहाँ पर शंकराचार्य रामानुज का जयंती है, आज तुलसीदास जी की जयंती है, आज मदर डे है, और ऐसी स्थिति में जहाँ अमृत सिद्धि योग भी हो, यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त के दौरान इस स्थिति में पूजन करने वाले अहोभाग्य हैं जो वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बद्री विशाल के लिए, जैसे अभी गुंजन जी ने कहा, बहुत सुंदर बात है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी। अब कहते हैं कि जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं वो दोबारा उदर में नहीं आते, माता के गर्भ में नहीं आते, वो यूनियों से मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यहाँ पर श्रीहरि के चार धामों की चर्चा की जाती है। अब चार धाम कौन से हैं? सबसे पहले बद्रीनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, केदार, यहाँ उसके बाद आते हैं आपके रामेश्वर, और उसके बाद सबसे बड़ी बात द्वारकाधीश। अब इन चारों धामों की यात्रा सम्मुख आसान नहीं है कि व्यक्ति आसानी से कर लेगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए सबसे आसान होता है इस छोटे चार धाम की यात्रा, यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ में केदारनाथ होते हुए ये चार धाम वह करके अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। अब यहाँ पर जो आपने बात कही कि कैसे प्रसन्न करें, तो श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जतन लगाने की आवश्यकता नहीं। सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हुए अगर आप यहाँ पर तुलसी की माला से उनके नाम का जप भी कर लेते हैं, श्रीहरि का नाम कर लेते हैं, ओम नमो नारायण कर लेते हैं, तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। और आप पीली वस्तु का दान करते हैं, पीली वस्तु का भोग देते हैं, तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सर्वत्र सब मानने की बात यह है कि यहाँ अगर प्राणों की बात करें तो कहा जाता है यहाँ बद्री एक छोटा बेर होता है, जो जंगली बेर होता है, उसके वृक्ष हुआ करते थे, उसका जंगल था, इसलिए उसे बद्री कहा जाता है। अब ऐसे बद्री में स्थापित होकर जब भगवान विष्णु ने तप किया और माँ लक्ष्मी उन्हें ढूंढती आई और उन्होंने उनको पुकारा, हे बद्रीनाथ आप यहाँ विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम बद्रीनाथ हो गया। अब यहाँ बद्रीनाथ को प्रसन्न करने की जहाँ तक बात आती है तो उनको भोग में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें पीले फूल, यहाँ पर पीली मिठाइयाँ और साथ में केसर। अब ये सारी चीजें करने के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आप इस समय में खास तौर पर अपने मन मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं तो ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए यहाँ माँ लक्ष्मी की प्रार्थना वंदना भी कर सकते हैं, ताकि अर्थ की कभी स्थिति कमी ना हो। पर यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको कहता चलूं, यहाँ तामसिकता से बचना सर्वाधिक आवश्यक है। अगर खाली हम मन में ये भाव रख के बैठे हैं कि हम प्रसन्न करना चाहते हैं और तामसिकता से मुक्त नहीं हो रहे, तो निश्चित जान लीजिए हमारी पूजा निष्फल है। हम अगर अपने नेत्रों से भी किसी तरह का कोई कुकर्म कर रहे हैं या किसी की दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी ये फल नहीं मिलने वाला। तो मन, कर्म, वचन दोनों ही शुद्ध करने होंगे, तभी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जेपी सिंह जी, और साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया कि हमें मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर और सबसे पहले ध्यान लगाकर स्मरण करना चाहिए और हम प्रसन्न कर सकते हैं। संजय शर्मा जी, समझूंगा आज आपसे कि आज का दिन कितना विशेष है, कितना अहम है, क्योंकि आज बाबा के कपाट खुल गए हैं। कैसे चुना जाता है आज का दिन? जी बिल्कुल, शास्त्रों के अंदर जब सूर्य और चंद्रमा जब उच्च राशि में होते हैं उस वक्त जो है बद्री विशाल, जो हमारे चार धाम है उनके, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो है ये कपाट खुलने के दिन होते हैं। और आज का दिन बड़ा ही पवित्र भी इसलिए माना गया है कि आज के दिन शुभ योग भी है। तो ऐसे आनंद और शुभ योग जब भी सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं उस वक्त जो है मंदिर खुलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है सर्वार सिद्धि योग का होना, जो कि आज के दिन लगा हुआ है, वैसे हर दिन होता है। और आज दिन सुबह 6 बजे से जो है शुभ योग
सर्वार सिद्धि योग ये योग है, इन योगों की वजह से जो है आज का दिन चुना गया। और नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो नक्षत्र जो है आप देखें कि उच्च नक्षत्रों का प्रभाव रहता है आज के दिन, और दूसरा चंद्रमा भी उच्च के होते हैं और सूर्य भी उच्च के होते हैं। सूर्य इस महीने में जो है सिंह राशि में होते हैं और मेष राशि में होते हैं, और चंद्रमा भी वृषभ राशि में होते हैं। तो आज के दिन से जो है कहते हैं 6 महीने तक जो है द्वार बंद रहते हैं, और मौसम का एक परिवर्तन जो है वो भी होता है, और कहते हैं हिम का स्थान भी है वो, तो वहां पर जो है हिम स्थान होने के कारण जो है हिम का अर्थ होता है बर्फ, तो उस वक्त जो है जब थोड़ी गर्मी आ जाती है तो फिर उस स्थान को जो है ओपन कर दिया जाता है आम जनता के लिए भी। और शास्त्रों के हिसाब से जब गर्मी का स्थान होता है तो 6 महीने तक जो है ओपन रहते हैं, और 6 महीने जो है भगवान सोते हैं, आप सबको मालूम है कि शयन अवस्था में चले जाते हैं। तो इस वक्त जो दर्शन किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और जैसे पंडित जी ने बताया कि आज का दिन वैसे भी बड़ा विशेष दिन है, और इस दिन कहते हैं कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म और मरण का जो चक्रव्यूह है उससे बचने के लिए जब आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं और परमात्मा के दर्शन करते हैं तो आपका मन जो है वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं कि ईश्वर के स्थान पर या ईश्वर के घर पर या भगवान के घर पर जब आपकी सोल आत्मा जो संसार के अंदर आई है जब प्रभु के साक्षात दर्शन कर लेती है तो ईश्वर की कृपा से उस सोल को दोबारा से जन्म और मरण के चक्कर में जो है नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जो है लाखों वर्ष तक जो है पहले तपस्या किया करते थे, क्योंकि सतयुग में जो है जो तप किया जाता था बड़ा मुश्किल से फल मिलता था, पर कलयुग के अंदर कहते हैं कि नाम का और प्रभु के सुमरण का बड़ा महत्व है। और आज का दिन ऐसा विशेष है, मैं आप सबसे कहूंगा कि मिलकर के बोले श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण। क्योंकि आज भक्ति का दिन है, भगवान का दिन है, आज उनके द्वार ओपन हो रहे हैं, तो इसलिए जो है इन का ध्यान करें और भगवान को जो पीत वस्त्र हैं वो पहनाएं, दूसरा जो है दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं और ध्यान करें, क्योंकि जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप एकाग्रचित होकर के मौन रखें और ईश्वर में लीन हो जाएं। ऐसा दिन जो है साल में एक बार ही आता है, उस दिन परमात्मा के दर्शन जब कर रहे हैं तो आप पूरी मन से और आत्मा से भगवान को अर्पित कर दें। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से वाणी से और कर्मों से पवित्र होकर ईश्वर का ध्यान करें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, मौन में रहें, उससे ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बिल्कुल मौन रहें और उसी से मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि आपने बताया संजय शर्मा जी। और जैसा कि आपने बताया और समझा हमने कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उन्हें खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा हम हासिल कर सकते हैं।